समझ रहा हूँ हाँ। कि हम योगी और मोदी जी को जी। मैं कोई मनुष्य नहीं समझता हूँ साहब, इनको मैं ईश्वर समझता हूँ। अच्छा, ये राम और लक्ष्मण पैदा हो गए सर ये देश बचाने के लिए। अच्छा, ये देश बिल्कुल वैसा ही होता कैसा, इससे पहले ही जो अंग्रेज लोगों ने हाँ। हम लोग हिंदू कोरी चमार पासी हाँ। जिसकी जा रहा था उसके झाड़ू बना साहब हाँ। पीछे पीछे हाँ। हाँ। उसकी जाते तो निशान बनती हाँ। ये फलाना कास्ट गया है धमाका हाँ। तो कास्ट गया है हाँ। तो अब ये वैसा ही हो जाता साहब। अच्छा, अब जो है ना बिल्कुल, तो अब आप बराबर हैं। बराबर है सर, मतलब लंबरदार और पंडित जी और ये सब बराबर सब सर। मैं भी पंडित क्या पढ़ता नहीं होता हाँ हाँ। हम वहाँ जाते हैं वो अच्छा। हमारे में आते हैं हाँ हाँ। हम उनके बगल खाना बैठ खाते हैं चाय पीते हैं। अच्छा, ये सर बगल में बैठना माहौल था हाँ हाँ। तो ये तभी से हुआ है जब से 2014 से मोदी जी आए हैं सर। ये तो से था, लेकिन अब जब जब समय बदलती जा रही हाँ। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सब मान सम्मान सब ये आपस में मिलता जा रहा है। अच्छा, ये सब तो मतलब आपका कहना है कि अब असमानता जो रही रहा है के समाज में जी, कि मतलब ऊंच नीच का भेदभाव वो सब मोदी जी के आने से खत्म हो गया है। अब खत्म हो भी गया है हाँ। और खत्म हो रहा है। अच्छा, जो मानता है हाँ। वो जो भी अब नहीं मानेगा वो सब जन सब हाँ। हमारा सब भाई है। अच्छा, लेकिन मायावती जी तो कह रहे हैं कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि मायावती की सरकार ने हाँ। मारा गया गरीब आदमी। अच्छा, मैंने गया था छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा हुआ हाँ। थोड़ी हाँ। गए नसीराबाद वहाँ जज थाना हाँ। वहाँ पे हमारी खिलाफ पार्टी ने फोन कर दिया हाँ। कि सर ये राधेलाल पासी है हाँ हाँ। तो दरोगा साहब ने हमको कहा कि राधेलाल तुम्हारे मायावती चढ़े हैं हाँ। अरे इनका सर कैसी बात कर रहे हैं आप हाँ हाँ। मतलब कि सरकार उनकी थी हाँ हाँ। लेकिन गाली जात शब्द हम लोगों ने पाते थे। अच्छा, मतलब कि गरीब आदमी परेशान हुआ है बिगड़ मतलब हाँ। गरीब आदमी मारा जाता था हाँ। गाली देता था इसलिए कि एक तो गलरीन दूसरा लहसुन खाए। लोग कहा थी कि जो बीजेपी की सरकार है वो व्यापारियों की सरकार है जी, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या है? अब सर हम लोगों के लिए भाई अब हम लोग किसान हैं हाँ ठीक है, किसान हैं, किसानी करते हैं जी। हम लोग अनपढ़ आदमी हैं हाँ। पढ़े लिखे भी नहीं हैं हाँ। लेकिन सरकार ने ऐसा चला दिया है हाँ। कि हम लोग कहीं पढ़ने नहीं गए अंगूठा हाँ। छाप है हाँ। लेकिन ऐसा नेट चला दिया है ऐसा हाँ। मोबाइल चला दिया है सर हाँ। कि हम लोग घर बैठे देखते हैं। वो तो कंपनी चलाए थे, वो तो जियो वाले अंबानी साहब चलाए थे, बहुत पहले थी। अच्छा, चली चली तो अभी इनकी सरकार में चली ना भाई, जब एक टाइम हो तब तो चले। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हवाई जहाज के आविष्कार जो उन्हें आज से बहुत साल पहले होगा होता है, मोबाइल जब आवा तो आवा तो वही का तो अम्बानी साहब लाए ना सर। मैं जब सर जो मैं हवाई जहाज तो बहुत पहले उठती थी हाँ हाँ। लेकिन जब इनकी सरकार ने हाँ। हम हवाई जहाज में चढ़े पाएंगे हाँ। तभी तो हम गुड़गाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप किसान हो ठीक है, और डीजल के क्या रेट है? अब सर डीजल पेट्रोल और सरसों का तेल जी ठीक है, और गैस सिलेंडर जी, और अरहरी के दाल जी, ये जो दाम बढ़े हैं जी, इनके बारे में आपके क्या कहा सर? मैं बता रहा हूँ कि दाम किसी की नहीं बढ़े हैं। अच्छा, अपनी जगह पे सब सही है। काहे भाई, अभी आलू 20 आना किलो था हाँ हाँ। हमने मंजूरी हमने हमने मंजूरी किया वो 10 रुपए हाँ। आज कमाता हूँ 500। अच्छा, तो कहाँ पे महंगाई? तो पेट्रोल जो 100 रुपया लीटर इस समय मिलता है जी, डीजल 90 रुपया मिलता है जी, 200 रुपया में सरसों का तेल मिलता है ठीक है जी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बढ़े चाहिए कि कम होना चाहिए? हमारे हिसाब से और बढ़क चाहिए, हमारे हिसाब से और बढ़ना चाहिए। अच्छा, कितना? इसलिए बढ़ना चाहिए हाँ हाँ। कि मैं किसान हूँ। अच्छा, हम आलू मोटी सर बात मोटी कि मैं आलू लगा रखा हाँ ठीक है, आलू मैं चाहता हूँ कि मेरा आलू 20-50 रुपए किलो बिके। लेकिन एक चीज बताओ आप हमका कि जो किसान हैं, किसान हैं तो वो उनके धान के फसल 1940 रुपए में तुम्हारे गांव के कितने किसानन के धान जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल है 1940 मंडी में खरीदा जाते हैं जी, तो तुम्हारे गांव कितने किसानन के खरीदा गवा है? इस समय मार्केट में धान का रेट बिकती है सर? इस समय मार्केट में 1400
1400-1500 बिकता है ना, तो 1940 रुपया जब सरकार कह रही है कि हम खरीदबे, तो जब किसान के जी, जो धान है जी, तो वह का 1940 में बिके चाहिए जी, ठीक जी, सरकार कह रही 90 में डीजल खरीदो जी, खरीद रही है व्यापारी का बनाया पार्ले जी, जी पूरे भारत के किसी भी आप कोने में चले जाओ जी, ठीक जी, 5 रुपया में मिले जी, ठीक जी, तो किसान का उपजाया हुआ जो धान और गेहूं है जी, सरकार कहती है कि सबसे कम दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपया में होना चाहिए जी, तो 15 रुपया में काहे खरीदा जा रहा, सरकार वही के लिए आप काहे नहीं कर रही। और एक चीज और बताओ कि जो एक साल से वो किसान अपनी उपज के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे, तो किसान सही रहे कि सरकार सही रही? सर मैं कह रहा हूँ किसान किसान तो नहीं है सही, किसान नहीं सही थे, मतलब किसान सही भी है और हाँ। नहीं ना भी सही। अच्छा, इसलिए कि आपने आपने रोटी सेकने के लिए हाँ। सब परेशान है। अच्छा, कि हमको भी अभी 4 लाख मिल जाए, 50 लाख मिल जाए हाँ। एक स्कॉर्पियो मिल जाए, असलाह हाँ। मिल जाए हाँ। तो हम दे देंगे किसी को। अच्छा, जाओ रोड जाम कर दो हाँ। जाओ ये कर दो हाँ। मैं देख लूंगा हाँ। सब यही था सर। अच्छा, कि सैया कमाई भैया के नाम। अच्छा, मैं रुपया दे रहा हूँ, धरना लगाए रहो हाँ। धरना लगाए रहो। अच्छा, कहीं हमारी भी गिनती हो जाए। अच्छा, तो मतलब वो जो किसान रहे रहा है कि एक साल जी, तो वो लोग अगर आपके हिसाब से देशद्रोही रहे या किराए पे आए रहे रहा के जी, है ना जी, तो सरकार जो है उनकी बात काहे मानी? एक साल बाद कानून वापस लीस ना जी, मोदी जी काहे वापस लेन भाई? ऐसे जब ऐसे जो सड़क छाप आदमी हो जिनका पैसा बाहर से आ रहा हो, नक्सलवादी हो या जो भी हो, ठीक है जी, तो उनकी। राधेलाल जी जी, क्या चल रहा है आजकल? ठीक चल रहा सर, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में मोदी ही सरकार रहेगी साहब। मोदी तो केंद्र में है, यहाँ पे बाबा की या अखिलेश की या बाबा की रहेगी साहब, बाबा की रहेगी। ऐसा क्या है बाबा की सरकार? ऐसा सर उनके अंदर गुण ऐसा है। क्या क्या? जैसे जैसे कि मतलब उनकी बोली और भाषा सब हम लोगों के आंगन में घुस गई है। वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, अच्छा के सिवा कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों बिल्कुल उनकी बोली और भाषा जो है, प्रधान जी की भी जो है और मुख्यमंत्री की जी हाँ, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, योजनाओं की बात जो चलती हैं वहाँ पे, तो जमीनी स्तर पे वो आती हैं क्या आपके हिसाब से? जी, जमीन के स्तर पे तो कुछ तो आती हैं हाँ हाँ, और कुछ नहीं आती। काहे, कारण का है? कारण ये है कि जैसे पहले गद्दार थे हाँ हाँ, सुनो यार, जैसे पहले गद्दार थे हाँ, वैसे ही गद्दार अभी भी बीच बीच पड़े हुए हैं। अच्छा, उन गद्दारों के वजह से हम गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। तो गद्दार हैं कौन? अब गद्दार सर इसी में है, जैसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि हमारी अमेठी सोने की चिड़िया है हाँ हाँ, क्या उन्होंने पैसा नहीं दिया? पैसे दिया पैसे दिया, निखिल गद्दार लोगों ने खा डाली। तो अभी जो स्मृति ईरानी की सरकार है उसमें काम हो रहा राहुल के अपेक्षा? नहीं हो रहा सर, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। तो जब अभी नहीं हो रहा है तो फिर भ्रष्टाचार की जो बात करती है गवर्नमेंट के, हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जी। पहले केंद्र सरकार से पैसा आता था तो 15 पैसा गांव पहुंचता था जी। सरकार कह रही है कि अब 100% पैसा आ रहा है जी। अब जो सरकार दे रही है हाँ हाँ, वहाँ से डायरेक्ट हमारे खाते में आता है हाँ, ठीक है, इसमें से कोई कुछ कर नहीं पाता हाँ हाँ। जैसे सरकार ने फार्म दिया है हाँ, एक बाबा भीम अम्बेडकर राव की फार्म हमको मिला है हाँ हाँ, बिलाग बहादुरपुर से। अच्छा, मैंने वो फार्म बिलाग बहादुरपुर भरवाया था हाँ हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि 2 लाख का लोन है हाँ, इसी के लिए हाँ हाँ, 2 लाख का लोन है, उसमें छूट 75,000 दिया गया है, ठीक है। हमने सर बिलाग बहादुरपुर से फार्म हमारा भरा गया, गया हमारा गौरीगंज सचिवालय, वहाँ हमको बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे साहब ने कहा कि अदलाल जाइए, आपकी फाइल मैं बैंक पहुँचा दूंगा, ठीक, आपको मिलेगा पैसा, पैसा मिलेगा, आप क्या करेंगे? हम कहा सर मुझे पैसा मिलेंगे तो हम गरीब आदमी है, हम जानवर पालेंगे, धंधा करेंगे, हम अपना परिवार भी चलाएंगे और आपका कर्जा भी मैं आसानी से दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ से सर फाइल हमारी बिलाग बहादुरपुर में आई हाँ, तो एक
हमारे यहाँ जो है राय साहब हैं, तो राय साहब ने कहा कि राधेलाल अपना खाता यूको बैंक में खुला लीजिए। अच्छा, ये फाइल में लिखा हुआ यूको बैंक आपकी फाइल जाएगी। हाँ ठीक है, हमने सर खाता खुला लिया यूको बैंक में, हमने 7-8 महीना हो गया मैं यूको बैंक चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, मैनेजर कह रहा है कि हमारा कोई स्टाफ नहीं है। हमने कहा सब सर आपका स्टाफ कब आएगा, हम रोज बैंक चक्कर लगाते हैं, आप कहते हैं स्टाफ नहीं है और गवर्नमेंट मुझे दे रही है आप देते नहीं हो। तो कहें कि जब तक मेरा स्टाफ नहीं आएगा मैं आपको लोन नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, तो फिर गए अभी कल परसों, तो हमने कहा कि सर कैसे भी आप कर दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, कमाएं 4 पैसा आपको भी दें। तो कहें कि हम लोन आपको करेंगे तो 50,000 का करेंगे। अच्छा, 50,000 का, 2 लाख का नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ। तो हम कहा सिर्फ ठीक है साहब 50,000 कर दीजिए। हाँ हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपने सीसी हमारी बैंक में बनवाइए। अच्छा, तब हम लोन आपको दे पाएंगे। तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो किसान है और आम आदमी है उनको बैंकों से लोन बड़ा मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। नहीं साहब, हम लोगों का अच्छा लोन ही नहीं मिलता है, नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सरकार अच्छी है? अब सर वही तो, ये लोग सरकार अच्छी है, सरकार दे रही। हाँ। यहाँ पे गद्दार लोग बैठे हैं ना। अच्छा, यहाँ देते नहीं है लोकल। अगर में वो हमको दे देंगे लोन। हाँ। तो सरकार अच्छी हो जाएगी। हाँ। वो भी कहेंगे हाँ, हम भी कहेंगे हाँ अच्छी अच्छी है, लेकिन हाँ। मिले या ना मिले। हाँ। सरकार तो अच्छी है। हाँ। अच्छी कहूंगा मैं। अच्छा, जो अच्छा रहेगा वैसे दुनिया कहेगा। अच्छे है सरकार हमारे लिए। अच्छा, और सर एक और फार्म मुझे मिला था यहाँ पे जो है हरावारी ब्लॉक में। अच्छा, इसमें भी लिखा हुआ है 1,60,000 का लोन है। हाँ हाँ। इसमें भी हमने फार्म भरवा दिया है। हाँ, केसीसी वो जी। और ये हमारी गया है जो है बहादुरपुर बैंक बड़ौदा में है। हाँ। हम समझो 2-3 बार वहाँ जा चुके। हमने कहा सर फाइल हमारी कहाँ भेजी गई, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। हाँ। कहें आप परेशान मत होइए, आपको फोन आएगा। अच्छा, जब आपका फाइल बैंक पहुँचेगी तब फोन आएगा। हाँ। हम कहा सर एक फाइल हमारी इको बैंक में है। हाँ। हम दौड़ रहा हूँ 7 महीने से। हाँ। अब एक फाइल का भी पता नहीं चल रहा। हाँ। कहाँ गई है? सरकारी कमियाँ नहीं है इसमें, सब दलालों की कमियाँ है। नहीं तो हमने इसके कम से कम 2 साल पहले, अच्छा, हमने यही योजना की फाइल बाबा भीम अम्बेडकर राव की फाइल। हाँ हाँ हाँ। हमने भरवाया था बहादुरपुर बैंक में गई थी हमारी। अच्छा, कौन से बैंक में? ये बहादुरपुर मंडी के अंदर है बड़ौदा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। जी जी ठीक है, वहाँ गई थी। हाँ। वहाँ से फिर वही इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। अच्छा, वहाँ से फाइल हमारी पास होकर के आई। हाँ। हमने गए मनीष साहब के पास, तो मनिंजर साहब ने कम से कम 2 महीना तो मुझे फाइल की पता ही नहीं चला। अच्छा, फाइल हमारी गई कहाँ। ठीक है, हम ब्लॉक आए बैंक जाए, ब्लॉक आए बैंक जाए, तो ब्लॉक का साहब जो रहा हमसे कहे राधेलाल मैं आपकी फाइल हाथों हाथ वहाँ पहुँचा के आया हूँ। अच्छा, बैंक में। हाँ। हमने फिर गए वहाँ। हाँ। हमने कहा सर फाइल मेरी आई है, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। आप उनको बता नहीं रहे। हाँ। तो कह रहा है कि राधेलाल हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, अभी जो है चल रहा कोरोना। अच्छा, कोरोना के बाद मैं आपको लोन देंगे। हाँ ठीक है। तो कोरोना मिट गया, फिर जो है हमने प्रधान साहब से कहलवाया, फिर हमारे सर जो है हम लोग 4 प्याज़ गए वहाँ पे, तो फिर भी जो है मैंने सामने कहा कि अब तो इसकी योजना खत्म हो गई। अच्छा, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ। तो सर कम से कम हमारा 2-3 हज़ार रुपये उसमें आना जाना खर्चा हर्चा लगा है। अच्छा, सर वो हमने गए जो है वहाँ SDM के पास गए। अच्छा, वहाँ से एप्लीकेशन डाला तो SDM साहब ने फोन किया था। हाँ। तो सर वही कोरोना का बहाना लेकर के सारी समय वेस्ट कर दिया मनीष साहब ने। अच्छा, मुझे लोन नहीं दिया। अच्छा, अब ये दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है सर। तो कितने साल से लोन के लिए आप भटक रहे हो? सर लोन के लिए कम से कम हम भटक रहे हैं 3 साल से। अच्छा, 3 साल से आप भटक रहे हो, वो आपको लोन में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, अगर मुझे मिल जाए ना। और सरकार आपके लिए अच्छी है? अच्छी भी है। हाँ। सरकार की नहीं कमी, कमी। हाँ। तो यहाँ गद्दार लोग बैठे हैं ना। तो अरे गद्दार हैं तो इनकी आप जैसे मान ले कहीं शिकायत करते हो जी, तो सरकार में जो DM होते हैं SDM होते हैं जी, उनको इसीलिए तो सरकार रखती है कि कम से कम जो आम आदमी होते हैं जी, तो आम आदमी को समस्या ना हो जी, तो वो भी तो सरकार की आंख कान है जी, जी। तो अगर आप उनको शिकायत दे के आए हो वो यहाँ पे आपके आपको लोन नहीं दिलाए पिछले 3 सालों से, तो सरकार के तो वो भी आदमी है ना, तो सरकार कैसे सही कहेंगे आप हमें? तो सर आदमी है। हाँ। लेकिन सर कुछ ऐसे हैं कि जन्यूम जन्यूम मिला लेते हैं। जैसे मनमोहन सिंह रहे जी, तो मनमोहन सिंह का लोग कहें कि हाँ बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं जी, बाकी सरकार पूरी भ्रष्ट रही जी, यही तो कह रहे थे ना लोग जी, जी। तो उसी तरह जैसे बाबा हैं तो बाबा तो ईमानदार हैं जी, लेकिन बाकी जो सरकार चल रही है आम आदमी तक योजना नहीं पहुँच रही है, जैसे राशन जैसे नहीं मिल पा रहा है ना, तो उसमें
वो सरकार का ही तो हिस्सा है। जैसे आप 3 साल से घूम रहे हो, आपको लोन नहीं मिला है, जबकि आपको लोन मिलना चाहिए, आप किसान हो, मिलना चाहिए, आप किसान हो, आपकी केसीसी बननी चाहिए, आपको बैंक से आसानी से लोन मिलना चाहिए ना, व्यापार करने के लिए लोन मिलना चाहिए। और आप 3 साल से घूम रहे हो, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और ब्लॉक मुख्यालय जाते हो, गौरीगंज जाते हो, ठीक है, आपने लगभग कम से कम 5-6 हज़ार रुपए तो बर्बाद कर दिया होगा ना। बर्बाद हो गया सर। तो अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा तो उसमें गलती किसकी है सर? गलती तो इन्हीं लोगों की है, हाँ? जो गवर्नमेंट दे रही, हाँ? उसको देते नहीं है। अच्छा। अगर दे देंगे तो जैसे कहे नहीं सरकार, हाँ? कि एक समय ऐसा आएगा, हाँ? कि मैं सबको एक बना दूंगा। अच्छा। मतलब अमीर गरीब को मैं सब एक कर दूंगा, हाँ, हाँ? ये वही चाहते हैं। अगर आज मैं 5-6 लाख रूपए लोन मिल जाए, हाँ? तो हमारे पास भी गाड़ी हो जाए, अच्छा? हम भी आसान से दे लें और अपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, कमा खा सके, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। अच्छा। तो हम गरीब गरीब तो रहेंगे, इसी वजह से दे नहीं रहे हैं लोग। कि हाँ, 1 साल तक का वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, आखिर में फिर वे वापस ले लेंगे, भाई हाँ हमसे गलती हो गई, तो गलती का है मान लेहिन भाई। ऐसे सड़क चाप आदमी जो पीछे से पैसा मिल रहा, जब आप कह रहे हो तो वो लोग मोदी जी का है माफी मांगें उनसे भाई। सर ये कह रहा हूँ मैं कि मोदी जी ने माफी नहीं मांगा है। काहे नहीं मांगा भाई? ने तो जो जहाँ पे गलती आदमी से होती है, हाँ हाँ ठीक है, गलती आदमी से होती है, जहाँ पे जानते हैं कि सब अब जो है घेरे हुए हैं, हाँ, और नहीं मान रहे हैं, हाँ, तो जहाँ पे चलो ठीक है, जहाँ पे मुझे कुछ लाभ मिल रहा, हाँ, किसान परेशान है, हाँ, तो चलो ठीक है, हाँ, तो सपना इनको जो भाई किसान का है परेशान है, जो हुआ लोग बैठे रहे खाली वही तो परेशान है, बाकी किसान तो खेत में रहा। आपके हिसाब से मेरे कहने का मतलब किसान वहाँ क्यों बैठा है? हाँ, किसान अपनी खेती बाड़ी, किसान नहीं, आप कह रहे हो कि हुआ जो लोग बैठे हैं उनका बाहर से चंदा मिलत रहा, यही लिए बैठे रहे, नहीं समझ रहे हो? तो वो भी किसान कहाँ हुए भाई? किसान आप लोग हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, कि किसान कई प्रकार के हैं, हाँ, हम किसान हैं, अपनी किसानी में परेशान है, हाँ, और कोई एक नेता है तो किसान को लेके वहाँ दिल्ली भागता है। अच्छा। और जौन आदमी ले जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, नहीं एक चीज बताओ, आदमी ले जाए वहाँ, हाँ, कहीं भगात हुई, कहीं, हाँ, कुछ हुआ, हम आपके देखो, हम आपकी पूरी बात का समर्थन है, लेकिन हमको सिर्फ इतना आप हमको बताइए कि किसान वो मांग कर रहे थे कि किसानों को 1940 रुपया बिकना चाहिए, इसकी लिखित में गारंटी दे दीजिए, यही तो मांग कर रहे थे ना वो, तो वो गलत थे क्या सर? 1940 रुपए की मांग कर रहे थे, हाँ, 1900 जैसे हमारे पास 10 बीघा जमीन, हाँ ठीक है, तब तो हम 1940 बेच पाएंगे, हाँ, हमारे पास 2 बीघा जमीन है, हाँ, हमको खाने भर का है, हाँ, अगर हम 1 बोरा 2 बोरा ले जाएंगे, हाँ, तो 1940 में कहाँ बेच पाएंगे हम? क्यों नहीं बिकेगा भाई? भाई 1940 आप हमें एक चीज बताओ, चाहे एक पैकेट पार्ले जी खरीदो और चाहे 50 खरीदो, जी 5 के बिकत है, जी नहीं समझो, तो चाहे हम 50 ग्राम बेची धान, किसान चाहता है कि चाहे 10 किलो हम बेचे जाए तो वही का 1900 रुपया में बिके चाहिए, 14 मकाहे बिक जाए, 13 मकाहे बिके, 10 मकाहे बिके, हमका यह बताओ। अब सर ठीक है, जो जहाँ पे जो है भाई ज्यादा पैदावार जिस चीज की होती है, धान की पैदावार है, गेहूँ की पैदावार है, है, अब हम लोग तो किसान जरूर है, हाँ, लेकिन जमीन गल्ला बेचने भर का है नहीं है लोगों के पास, हाँ नहीं, मान ले जिसके पास भी है, जैसे मान ले 5 किलो राशन बेचे जा रहा है ना, तो वह 1940 में उसको बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए सर? वो बड़ी आड़त में कहाँ ले जा पाएगा? गांव में भी तो बिकना चाहिए, पार्ले जी बताओ, गांव में भी वही रेट है, बिकना बाहर भी वही रेट है, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? तो जो लोग इसकी मांग कर रहे थे वो गलत थे कि सही थे, हमको ये बताओ बस, सही थे ना? तो फिर आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? गलत मैं कह रहा हूँ कि खेती के समय अपना खेती करिए, हाँ, और धरना की इतनी धरना हिसाब, हाँ, से लगा जाता है, क्या पढ़े लगता धरना? अपने अधिकारों के लिए बात करना, धरना लगाना गुनाह है क्या? जैसे आपके साथ काम नहीं हुआ, आप 3 साल बता रहे हो कि हम गए थे वहाँ पे, हमारा काम नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको लेकर कोई भी संगठन आके धरना बैठता तो गलत बैठेगा क्या? वो गलत नहीं बैठेगा, हाँ, ये सर धरना पहले भी था, मतलब कि, हाँ, ये हमेशा ही धरना चला है, धरना कभी बंद नहीं हुआ, हाँ, मैंने सुना हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार में, हाँ, कह रहे थे कि हमें तो उनकी जो है मुसलमान भाइयों ने सीट पर बैठाया है, हाँ, हिंदू ने मुझे वोट ही नहीं दिया। अच्छा, तो क्या उनके खिलाफ धरना नहीं चला? हाँ, धरना चला था। अच्छा, लेकिन वो धरना चलते 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 चलते, हाँ, समय बीत गई, फिर 20% आबादी है,
मुसलमानन के, ठीक है 20%, तो 20% कैसे सरकार बना लिए थे हमें ये तो बताओ, कांग्रेस की सरकार कैसे बनी सर 20% में कैसे, 80% तो हिंदू है सर, 20% सरकार हाँ। ऐसे बना लेती है हाँ। कि यहाँ पे हिंदू जो है हाँ। कमजोर है, कैसे कमजोर है, कमजोर का मतलब बताओ, 100 में 80 आदमी हिंदू के ठीक है और 20 आदमी मुसलमान के, मैं कह रहा हूं, तो कमजोर कैसे, मैं कह रहा हूँ कमजोर है, कैसे कमजोर इसलिए है हाँ। इनके 1-2 बीघा हाँ। जमीन है हाँ। किसी के 1 बीघा जमीन नहीं है अच्छा, और इन लोगों के 5-6-10 बीघा जमीन है, चरपहिया गाड़ी है, स्कॉर्पियो है हाँ। ठीक है असलहा हाँ। है, तो वो काम करता है ना भाई, काम कर रहे हैं तभी तो है, कहीं अराजक तत्व तो है नहीं, अगर अराजक तत्व है तो भारत का कानून है, मैं कह रहा हूँ कि हेरा फेरी बहुत चल रही सर, कैसे हेरे फेरी चल रही है, हेरा फेरी का मतलब हाँ। कि हमेशा गरीब आदमी मारा गया है हाँ। हमेशा ही तो मारा जाएगा, तो गरीब में तो मुसलमान तो भी है ना, अब मैं वह चाहता हूँ, आदमी आपकी सरकार कह रही है कि पंचर वाले हैं वो, ऐसा नहीं होगा, आप हमारी बात तो समझो, वो कह रहे हैं पंचर वाले हैं वो, तो जो पंचर वाला बनाने वाला आदमी है वो स्कॉर्पियो से कैसे घूम सकता है, हमें ये तो बताओ, आप ही के तो लोग कह रहे हैं, आप ही की सरकार के लोग कह रहे हैं पंचर वाले हैं, तो जब पंचर वाले हैं तो स्कॉर्पियो से कैसे घूम रहे हैं पंचर वाले, और सरकार आपकी है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी उनपे, अगर आप मतलब अराजक तत्व वाला काम कर रहे हैं या नंबर 2 का कोई धंधा कर रहे हैं, तो सरकार तो साहब आपकी है जी, तो फिर आप कार्रवाई का नहीं कर रहे सर, नंबर 2 का धंधा ये तो सदियों चला है हाँ। सदियों चला है हाँ। लेकिन अब योगी मोदी कुछ कम करना चाहते हैं अच्छा, उसको मिटाना चाहते हैं, अरे भैया 7 साल से सरकार यह है, सब लोग हाँ। सब लोग जो है मिलके कमाओ हाँ। और हाँ। खाओ अच्छा, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए हाँ। अब किसी की जमीन हड़पना, किसी की बहन बेटी को तकना हाँ। अब छोड़ दीजिए हाँ। शासन कानून हाँ। अब लंबे बनाए जाएंगे अच्छा, ये ठीक है, डराने के लिए थाने में जी बिना पैसे का काम होता है क्या सर, वही तो होता है इस समय, कहाँ होता है, तो काहे नहीं होता भाई, होता कहाँ होता है भाई, तो फिर ये सरकार में उस सरकार में अंतर क्या है, मैं ये तो बताऊँ, वही तो मैं चाहता हूँ हाँ। कि क्या वहाँ से जो दरोगा है, 5 साल बीत गवा है जी। ठीक है, तो 5 साल में पुलिस में कुछ तो सुधार आवा हुए, पहले जैसे अखिलेश के जमाने में ज्यादा पैसा लागत रहा, तो बीजेपी में तो कम लागत चाहिए ना सर, अब तो बहुत कुछ सुधर गया है, क्या सुधर गया, सुधर गए का मतलब अब हाँ। जाते हैं तो दरोगा साहब भी जानते हैं हाँ। कि योगी और मोदी की सरकार है अच्छा, ज्यादा तो पैसा नहीं लेती, पैसा लेती है लेकिन चोरा के लेते हैं, अरे तो पहले का खुलेआम लेते रहेगा, पहले भी लेते साहब हाँ। पहले भी लेते थे लेकिन अच्छा। अब काम हो गया है, आप चुरा के लिए लगे बिल्कुल, जैसे अब हम जाते हैं हाँ। हमको जानते हैं कि गरीब रहेगा दलाल, पढ़ा हाँ। लिखा नहीं है हाँ। कुछ जानता नहीं है हाँ। इसके कोई स्वर सिफारिश नहीं है हाँ। हाँ। तो आपको लगा देते हैं अच्छा, प्रधान साहब या किसी को फोन कर देते हाँ, हैं हाँ। कि राधेलाल आया है सर क्या करें, तो इधर फोन जाता है हाँ। अरे साहब अपना आदमी समझौता कर दीजिए अच्छा, तो इधर हरवा लेते हैं राधेलाल 5,000 हाँ। 10-2 रकम मांग रहे अच्छा, तो मांग रहे हैं हाँ। 5,000 में मैं मतलब सल्टवा दूंगा, तो भाई दलाल तो वो सरकार में रहे, ये सरकार में रहे अच्छा, तो नहीं समझे, तो फिर भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ सर, बहुत कम हुआ है हाँ। अभी तो 5 साल में हुआ है हाँ। ये तो 70-75 साल में जो है चलता हाँ। था हाँ। 5 साल में हो गया है, आप हाँ। और आने दीजिए तो ना, 70 साल का कांग्रेस की यहाँ सरकार थोड़ी रही, 30 साल से तो कांग्रेस यहाँ सरकार ही नहीं है, तो 70 साल का क्या हिसाब किताब है, मैं बता रहा हूँ 60 लाख ले लीजिए, 40 लाख ले लीजिए हाँ। हमने योगी और मोदी का नाम है कभी नहीं सुना हाँ। लेकिन अपने ही कारनामों से, अपनी ईमानदारी से बिल्कुल एटो मेंडिंग निकले हैं।